नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा इस समय फिलहाल चल रहा है पूरे देश में लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों का। जी, आज हम अपने वीडियो में चर्चा करूंगा लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, इन दोनों के मद्देनजर गौ पे स्फोट क्या क्या है। यानी खत्ते साहब के पास कुछ मटेरियल ऐसे है जो बड़ा बड़ा गौ पे स्फोट है, उसको देख के आप भी टेंशन में हो जाएंगे, सुन के टेंशन में आ जाएंगे और कहेंगे कि ये आखिर में क्या ये भविष्यवाणी सही हो सकती है। तो क्या है गौ पे स्फोट, हम खत्ते साहब से ही जान लेते हैं। आज का मेरा जी मूड भी अलग है और आज का दिन मेरे लिए अलग है। जी सर, मेरे बेटे ने जो ज्योतिष का अभ्यास करता है, वो कुछ ज्योतिष का व्यवसाय करता नहीं है, वो वास्तु का करता है, मगर उसने मुझे पिछली 15 तारीख को फ़ोन करके बताया था कि आज 15 तारीख है, अगले 15 तारीख तक, मतलब आज 15 मार्च है जी, आपको पूरा पीरियड खतरे का है और आपको ऐसा कुछ होगा कि हाथ से जैसा रहेगा। और 16 तारीख को मेरे को हार्ट अटैक आ गया। तो आप मजबूत हैं सर, हर आपको कोई हर स्थिति से आप मुकाबला कर लेंगे। वो हो गया, एंजियोप्लास्टी कर ली हमने, बाद में थोड़ा बेड रेस्ट भी लेना पड़ा कंपलसरी। सर आज वो आखिरी दिन है, मतलब आप शगुन के आखिरी दिन आज। हाँ, वो जो 1 महीने का पीरियड उसने दिया था जी, कि भाई मेरी रास मिथुन है, मेरी बहन की रास मिथुन है और मिथुन राशि के पिताजी को ये महीना पूरा 15 से 15 मार्च तक का बहुत खतरा है। तो सर देखो कैसे है कि आज 15 तारीख है, तो मैं बोला महीना तो टल गया अभी जी, अभी कोई इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा संभाल के रहूँगा मैं। आज सुबह बराबर मेरा ड्राइवर नहीं आया और मुझे पार्लर जाना था, तो मैं गाड़ी लेके निकला, रोज की गाड़ी भी नहीं थी, बड़ी छोटी गाड़ी से निकला, वैगनर से निकला। सर वो कॉर्नर पे हम लोग यू टर्न लेते हैं, वो कॉर्नर पे मेरी गाड़ी ठोक गई। अभी गाड़ी गैरेज में। चलिए ठीक है, गाड़ी तक ही सीमित रहा, आगे नहीं बढ़ा। प्रॉब्लम आगे नहीं गए, आगे नहीं गए, मगर वो सर चूंकि ना वहाँ पे नसीब मेरा कोई रिक्शा या आदमी खड़ा नहीं था, वो दीवार थी छोटी सी, उसके ऊपर नहीं तो एक मैं ही अरेस्ट हो जाता उसमें। तो मैंने वो गाड़ी वहाँ छोड़ के ड्राइवर को बुलाया, बोला टोइंग करके लेके जाओ। फिर मैंने घर में फ़ोन किया, वो बोली मिसेज बोली आज नहीं जाना, मैं आपको जाना नहीं चाहिए था, आप वापस आइए। मैं बोला अभी घर से निकला, आप तो बिना मेकअप के भी अच्छे लगते सर, करके आता हूँ मेकअप, मगर आऊँगा। सर कैसा दिन रहता है अभी ज्योतिष के बारे में आप विश्वास करो कि मेरा हमेशा का जो कारीगर था वो नहीं था, और दूसरे ने जो किया उसने दूसरे कुछ केमिकल्स मेरे को लगाए। आप यहाँ देख रहे हैं रैश आ रही है, रैश आ रही है, कभी मेरे को रैश नहीं आई, मेरे एलर्जी ही नहीं है मेरे को किसी चीज़। आपको जाना ही नहीं था, आप गए जबरदस्ती अपने। तो अभी सर ऐसा है कि मेरे पास ना एक 4 खबरें ऐसी है, कल रात को मैंने अभी नाम का भी जिक्र किया, चैनल का भी जिक्र किया, जो हम लोगों के सामने नहीं करे तो अच्छा है, क्योंकि वो प्राइवेसी है उसकी। तो मैं कल एक चैनल चीफ के साथ खाना खाने रात को गया था, वहाँ पे मुझे 4 खबरें ऐसी मिली है कि सर रात में 2-3 बजे तक मैं उसके ऊपर विचार करता रहा और सो नहीं पाया कि अगर ऐसा होने वाला है तो। 2 चीज़ें मन में आई कि आज मैं बोलूँगा तो क्या लोग मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे। बाद में मैंने सोचा कि मैं अगर श्याम गिरी साहब के व्यासपीठ पर मुद्दा भारत का मैं बोलता हूँ, और आज तक मुद्दा भारत का मैंने जो भी बोला है वो वैसा ही हुआ है 100%, तो लोग विश्वास करेंगे कि भाई ये कोई दुनियादारी या दुकानदारी नहीं कर रहा है, ये श्याम गिरी के एक पवित्र अधिष्ठान जो है वहाँ पे बात कर रहा है, तो इसको जहाँ तक जो मालूम है वो अपने को वो बता रहे हैं, और हमें राह देखनी पड़ेगी कि ये सच में होता है कि नहीं होता है। सर बहुत धक्कादायक है, और सिर्फ आपके लिए मैंने आज असल में मेरे को अभी मेरे बेटे से बात हुई, बोला आज आप वीडियो मत करो, इस वीडियो में आप कुछ ऐसा बोल देंगे कि उसके ऊपर बवाल मच जाएगा। मैं बोला नहीं, आज मैं श्याम गिरी का वीडियो करूँगा, मराठी नहीं करूँगा एक बार, मगर श्याम गिरी का करूँगा, क्योंकि ये बातें जो है वो अभी उनके 70,000 सब्सक्राइबर भी हैं और लोग बड़े चाव से देखते हैं, 30-30, 40-40 हज़ार, 50 हज़ार जाता है वीडियो, और ये बात अगर मैं आज नहीं बोलूँगा
तो मेरे मन में ये रहेगा कि भाई मेरे को मालूम होते हुए मैं बोला नहीं, अभी बाकी दुनिया अभी बोलने लगी तो क्या फायदा, क्या फायदा सर, एक्सक्लूसिव है और उसका सोर्स तो वो चैनल चीफ है जिनके ऊपर मेरा भरोसा है। और जब मैंने नाम आपको बताया तो आपने भी बोला क्या उनसे रात को आपकी मुलाकात हो गई, क्या उनके साथ आप रात को खाना खाने बैठे थे? अरे बहुत विश्वसनीय आदमी है और कम से कम 20 साल से चैनल इंडस्ट्री में है, जब से चैनल इंडस्ट्री चालू हुई है तब से बड़े पद पर रहा है। सर पहली न्यूज़ ये पंकजा मुंडे वगैरह छोड़ो सर, वो बहुत एक छोटी बात है उसके ऊपर नहीं बोलना चाहूँगा मैं, क्योंकि मेरे पास से जो खबरें हैं वो बहुत बड़ी खबरें हैं। उसमें से पहली खबर मित्रों ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद एक 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 वाक्य आप सुन लो सर, लोकसभा चुनाव के बाद महाआघाड़ी और महायुति दोनों टूटेंगे। बड़ी बात कह रहा हूं सर, आज कहने में मतलब है सर, लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आने के बाद शरद पवार कांग्रेस, उद्धव ठाकरे कांग्रेस शिवसेना और कांग्रेस नाना पटोले वाली है राहुल वाली है जो भी बोले, ये तीनों अलग हो जाएंगे। इतना ही नहीं विधानसभा चुनाव ये तीनों अलग अलग लड़ेंगे एक दूसरे के खिलाफ, जैसे 14 में हुआ 2014 में। इसके लिए ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं। उससे बड़ी बात यह है कि महायुति में भी भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, इनको साथ नहीं लेगी विधानसभा में, विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में इनको साथ लेना मतलब एकनाथ शिंदे को 2.5 साल और मुख्यमंत्री पद देना, वो भी नहीं चाहते। और उनको आत्मविश्वास है कि हमारे ऊपर अभी हम दिल्ली में आ गए हैं तो हमको जरूरत नहीं जी। और तोड़ने में उनको दो मिनट नहीं लगते सर, 14 साल में आपको मालूम होगा क्योंकि आप भी जाने माने पत्रकार हैं, सिर्फ एक सीट के लिए टूटी थी 2014 में शिवसेना और भाजपा की युति। और मैं बताऊं कितने सीट पे टूटी थी, बहुत अच्छी लड़ाई हुई थी वो, बहुत अच्छी लड़ाई हुई थी वो 2014 की जो लड़ाई देखा था हमने ना चुनाव, वैसा चुनाव तो ना तो आगे मिलेगा ना तो पीछे था, अभी शायद मिलेगा, अब शायद मिलेगा तो आपकी भविष्यवाणी सही हुई सर, 100% मिलेगा सर। बीजेपी नहीं चाहती है कि विधानसभा चुनाव साथ में लड़े, शिंदे और अजीत दादा भी अलग लड़ेंगे। महाराष्ट्र में पहली बार इनकी तीन पार्टी छह पार्टी 14 की तरह अलग 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 14 में चार पार्टी थी, अब छह पार्टी 24 में छह पार्टी। और सर उसमें बीजेपी का प्लान ये रहेगा कि ये छह आपस में पांच लड़ते रहे जी। और हमारा पर्याप्त 145 का जो लक्ष्य है 150 तक जाने का वो साध्य हो। नहीं हुआ तो फिर आओ भाई, नहीं हुआ तो वो ठीक है, उसमें भी धक्कादायक बात नहीं है सर मेरे पास जी। अभी आज राज तो खुलने हैं अपने जी, को जी, जी, जी। और सबको हिला के रखना है, तो इसके अनुषंग में दूसरी एक हमारी बात में ये है कि लोकसभा चुनाव के बाद जी। और बुरी तरह से हार होने के बाद उद्धव ठाकरे खुद ब खुद सरेंडर करेंगे बीजेपी को और ऑफर देंगे कि हम आपके साथ आने को तैयार हैं, अगर आपको शिंदे को नहीं छोड़ना है तो मत छोड़ो, तो भी ले लो, तो भी हमको तुम्हारे साथ ले लो, हम शरद पवार और कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहते। ये मेरी दूसरी खबर है, नोट कीजिए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे ऑडियंस से बोलता हूँ मैं, नोट कीजिए, ये दो विधान हुए हैं, एक तो सभी पार्टियां जो है अलग चुनाव लड़ेंगी यानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगी 2024 यानी विधानसभा में और लोकसभा के बाद शरद पाए तुम्हारे शरद पवार इसको छोड़ के कांग्रेस को छोड़ के उद्धव ठाकरे बीजेपी को सरेंडर करके एकनाथ शिंदे के साथ आप रहो, फिर भी मेरे को साथ में ले लो और हमको सीट दे दो, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करना, ये उद्धव जी का कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला है और उसकी थोड़ी सी झलक मुझे मिल गई थी मेरे दोस्त से, मगर उसने बोला कि नहीं ये समय नहीं है तुमसे बात करने का, तुम इसका राज खोल दोगे, मेरे को मुसीबत में डालोगे करके ये हुआ है करके, वो मैंने उसके नाम से नहीं बोला, उसका नाम भी लिया नहीं मैंने, मगर ये बात कल रात को जो मेरे को चार खबरें मिली, सर तीसरी खबर और बुरी है। आज का दिन तो मेरे लिए लास्ट दिन है मगर बुरा दिन नहीं है आज का। सबसे बुरी खबर सर आज मेरे पास ये है, कैसे बताऊं सर, हम प्यार करते हैं उनसे, प्यार करते हैं उनके बारे में, हमें मेरे मन में कितना आदर है, श्रद्धा है,
मेरा परिवार, भारत परिवार, मोदी परिवार, ऐसा हम बोलते हैं। सर मुझसे वो संपादक 1 लाख रुपए की शर्त, मैंने उसको बोला कि मैं श्याम जी के साथ हमेशा शर्तें लगाता हूँ, तुम इतने आत्मविश्वास से कह रहे हो तो लगाओ शर्त, वो भी काबिल है, मैं भी काबिल हूँ। मैं बोला चलो 1 लाख रुपए बीच में रख देते हैं और बात करते हैं। तो बोला समझो रख दिया मैंने, मैं बोला चल मैं भी रख दिया 1 लाख। बोल, वो बोला किसी भी हालत में, किसी भी हालत में अनिल, बीजेपी को, पहले मैं एनडीए की बात करता हूँ क्योंकि बीजेपी की और शॉकिंग है, वो बोला एनडीए को किसी भी हालत में 350 से आगे जगह नहीं मिली। मतलब 400 का जो आंकड़ा इनका है वो बैक बैक रहेगा सर, 50 से पीछे ठीक सरकार तो बनेगी सर, हम तो उसमें खुश हैं, हम तो उसमें खुश हैं सरकार नहीं, बनेगी। नहीं नहीं सर, वो ऐसा नहीं होता है ना सर, ऐसा नहीं होता है। वो तो क्या 272 मिले तो भी सरकार बने। सर ऐसा भी तो नहीं होता कि आप 500 कल को बोलो तो 500 आपको सीट मिल जाए, ये भी तो नहीं होता। आप कैसे ना, आप प्रतिष्ठा लगाए बैठे हैं ना 400 पार ठीक है, दिन बोल रहे हैं तो सिर्फ कम से कम अभी समझ लो, ये 400 का मुद्दा जो है जी वो हम बोलते रहेंगे जी जी जी, 400 पार की बात हम करते रहेंगे। बताइए नहीं होने वाला, नहीं अब ये बताइए क्या कांग्रेस कर रही है कि मैं हार जाऊंगा, वो भी जीतने की बात कर रही है? नहीं नहीं, इसका मतलब क्या वो जीत जाएगी? ऐसा तो नहीं है, वो आपका जो आर्गुमेंट है वो आपकी जगह है जी जी। मैंने उसको बोला सर, और उसने बोला कि 350 के आसपास एनडीए रहेगी और बीजेपी 310 से 325 के बीच में अटकेगी, मतलब 25 जगह। तो भी अच्छा फिगर है, मैं तो भी अच्छा फिगर मानता हूं। सत्ता आ रही है, मोदी पंतप्रधान बन रहे हैं, उसमें नहीं। मगर सर ये 400 पार मैं भी जोर शोर से मेरे टाइटल में डालता था ना, अब की बार 400 पार, तो मेरा भी मुखभंग हो गया ना, अभी होगा सर। क्योंकि उसके कहने के बाद मैं इतना बेचैन हो गया कि हमारे जो दूसरे एक चैनल के चीफ थे बहुत साल तक, बाद में उनको निकाला गया, तो उनसे भी मैंने बात की कि मैं उनको इनका कोट नहीं किया, मैं बोला चर्चा ऐसी हो रही कि 400 पार नहीं जाएंगे, तो बोले सच है। मैं बोला फिर रात दिन 400 पार क्यों बोले? नहीं नहीं, वो बोले 350 के आसपास रहेंगे। मैं बोला एनडीए या बीजेपी? मैंने बोला एनडीए 350 के साथ रहेंगे। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। और ये तो बोला 310-320 तक, मतलब उसका अंदाज जो था। मैं बोला ये मेगा पोल चल रहा है इधर, ये पोल चल रहा है, मैंने तो बोल दिया कि ये बोगस है जी। और ऐसे पोल झूठ मूठ के कितने होते हैं, उसमें कोई बिताते उसका कोई ये नहीं। तो सर ये तीसरा तीन तो हो गया है, गोपे स्पोर्ट है, अब की बार नहीं 400 पार। हाँ वो है, और चौथा गोपे स्पोर्ट है सर, मुझे एक आधा मिनट दो कि किस तरह से मैं वो पेश करूं, क्योंकि कैसे ना ये हमारा दिल जिनसे जुड़ा हुआ है वही शिंदे साहब के संबंध में ये बात है कि बीजेपी ने दो बातें तय कर ली है कि शिंदे साहब को फिर मुख्यमंत्री नहीं बनाना, और दूसरी बात यह है कि शायद हो सके तो शिंदे साहब और अजीत दादा के बिना मंत्रिमंडल बनाना। अगर बहुमत आती है, बहुमत नहीं आता है तो भी तोड़ फोड़ करेंगे तो इनकी पार्टी से नहीं करेंगे, दूसरी पार्टी से। सर महाराष्ट्र में देखा जाए तो 2019 के बाद जो स्थिति परिस्थिति देखने को मिल रही है, कुछ भी संभव है सर, कुछ भी संभव। नहीं मुझे बीजेपी और ये आप ये देखिए कि सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस, कांग्रेस को छोड़ के सब पार्टियां तो वही है सर। कांग्रेस भी टूट गई ना, अशोक आ गए, आ गए ना, अब अशोक तो आ ही गया है, और भी रोज आज भी 2-4 आमदार टूट रहे हैं। तो महाराष्ट्र में आप बोल ही नहीं सकते कौन किसी साथ में है या कौन किसी साथ नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सर बहुत बुरा लगा कि भाजपा शिंदे साहब को छोड़े, जिन्होंने उनको सत्ता लाके दी जी, बिल्कुल नो डाउट सत्ता लाके दी, उनको भी छोड़ने की बात ये करते हैं, और एक उसमें पोट धक्का है कि उनका कहना है कि शरद पवार से कम सीटें अजीत की आएगी
और उद्धव ठाकरे से कम सीटें शिंदे साहब की आएगी, ऐसा बीजेपी का कैलकुलेशन है। अगर ऐसी स्थिति में ये जो उद्धव ठाकरे की बात चल रही है, जो पहले मैंने बताया, आज एक खबर ये भी चल रही है सर, एक चीज और देख लीजिए, अगर आपने नहीं सुना होगा तो, कि विधानसभा लोकसभा के साथ में कुछ जो इस साल के जो विधानसभा चुनाव है वो साथ में लेने की प्रक्रिया शुरू है, हो सकता है अनाउंसमेंट ना हो जाए, ये कोई अवसर नहीं इलेक्शन की भी। हाँ उसे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र का भी 2024 में कल अगर इलेक्शन डिक्लेयर होता है ना जी, तो इसमें फर्क ये पड़ेगा कि फिर महायुति कायम रहेगी। यस, टाइम जाने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, ये भी संभव है वो। हाँ वो अगर आप बोलते वैसा हो गया कि महाराष्ट्र का होगा क्या, तो मुझे नहीं लगता है मगर सर होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में स्थिति इतनी बुरी है महायुति की कि उसका असर मोदी के ऊपर होगा। उसके लिए नहीं है सर, मोदी का असर इधर नहीं पड़ेगा, चुनाव आयोग के पास अगर इस तरह की, राष्ट्रपति जी वो सर वो राष्ट्रपति वो अंडर कंसिडरेशन जाएगा, वो अंडर कंसिडरेशन जाएगा। नहीं अमित शाह जी राष्ट्रपति से नहीं, नहीं, मिले नहीं, 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 वो चुनाव आयोग के साथ मीटिंग भी हुई आज, मीटिंग हुई वो सब है, मगर उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए 2029 का उन्होंने वादा किया है और 29 से लेके धीरे धीरे करेंगे। ठीक है वो ठीक है, नहीं मैं इसके बारे में आपसे ये करूंगा सर, विश्वस्त आश्वस्त रहिए, कल ऐसा कुछ नहीं होगा, दोनों का साथ में नहीं होगा, ये भी आपका मत है मेरा भी मत है कि नहीं होगा, ऐसा बाद में ही होगा, मगर कल होता है तो युति को एक साथ रहना पड़ेगा, वो तो सरकार नहीं गिरा सकते। और एक और वो अभी मैं उसको सीरियसली नहीं लिया हूँ, इसलिए गोप्य स्पोर्ट की मेरी मालिका में उसका समावेश नहीं किया है, मगर ऐसा बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय अगर लोकसभा चुनाव में पर्याप्त ये 45 के बदले समझो 30 या 35 मिल गई जी सीट, तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति राजवट लगा के मुदत पूर्व चुनाव करेंगे और उस समय पार्टियां बिखर जाएगी। सर आज बहुत मैंने ये पंकजा को मैंने न्याय नहीं दिया, उसके बारे में इतना ही कहूँगा, ठीक है वो चुनाव जीतेगी वहाँ पे कोई बात नहीं, और इसको विधानसभा दे देंगे उसकी बहन को प्रीतम को, वो वंदनी प्रीतम भी वैसी कोई हैसियत रखती नहीं है ज़्यादा, पंकजा रखती है तो लोकसभा में चमकी 10 साल उसका, अरे उसका भाग्य चमका तो राज्य मंत्री वगैरह महिला राज्य मंत्री बन सकती है वो, जी जी देखते हैं अभी उसका नसीब क्या है, मगर वो मामला वहाँ खत्म हुआ। सर ये जो आज मैंने गोप्य स्पोर्ट की है, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में किसी चैनल पर आपको ये मिलेंगे नहीं, इसकी चर्चा होनी चाहिए। अब हमारे बात उठा के कैसे लोग चलाते हैं ये देखो, सर अपनी बातें बहुत उठाते हैं लोग जी बिल्कुल, YouTube चैनल पे और कभी कभी तो बड़े चैनल पे भी हमारी बातें ले, मैं जानता हूँ क्योंकि तुम और मेरे बिना वो बात गई नहीं कि सर फिर यहाँ कैसे आ गई, बिल्कुल तो उठाते हैं। सर आज मैं थक गया हूँ तो चार गोप्य स्पोर्ट, हाँ ये मैं यही रुकूंगा आज, आज दूसरा वीडियो होगा नहीं, नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप स्वास्थ्य आप अपने स्वास्थ्य ध्यान दीजिए, क्योंकि कल से करेंगे ना, कल से मेरा भविष्य भी बदल ही हो रहा है। तो चारों विधान की बात फिर से रिपीट कर देते हैं, नंबर एक कि लोकसभा के बाद जो है विधानसभा के चुनाव के टाइम पे सभी 6 पार्टियां जो मुख्य पार्टियां हैं सब अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। नंबर दो ये उद्धव ठाकरे भाजपा को सरेंडर, लोकसभा के बाद जो है भाजपा का सरेंडर करते हैं। तीसरा ये तुम्हारा एकनाथ शिंदे को ये करने की साजिश होगी, मुख्यमंत्री उनको दोबारा न मिले ऐसे पूरी तरह से साजिश रची गई है। चौथी तो ये मैंने बताया कि अपने मुदत पूर्व चुनाव लेने की साजिश करेंगे ये शासन लगा के, तो इन चारों और, हाँ और एक ये था कि देश में 350 तक ही रहेगी, 400 नहीं रहेगी, 400 बार जो नारा लग नहीं होगा वो नहीं, 350 में ही खत्म हो जाएंगे। तो इन चारों जो मुख्य मुद्दे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैं भरोसा करता हूँ ऐसे आदमी से मिलाए करके मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे, देखते क्या। तो इन चारों मुख्य मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी हमें बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्रतिक्रिया जरूर लिखिए और ऐसी खबरों के लोकसभा चुनाव अनिल तथ्य गगनभेदी भी सब्सक्राइब कीजिए, अभी आज शायद नहीं करूंगा मगर कल परसों तरसों के है उसमें, उसको भी सब्सक्राइबर चाहिए मुझे, वो भी अनिल मैं लिंक शेयर जो है डिस्क्रिप्शन लिंक शेयर करते हैं सर, धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव जुड़ी हुई खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, और हम लोकसभा के संदर्भ में आपको इतना अपडेट रखेंगे ना कहीं नहीं आएगी ऐसी खबरें हम देंगे आपको। चलो धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री राम।